हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैं बता चुकी थी कि हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है खत्म हो चुका है बीएड फर्स्ट ईयर में, जो 4 बजे का क्लास होता है। तो अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आप लोगों का चाइल्डहुड एंड लर्निंग एंड टीचिंग एंड कंटेम्प्रेरी दे चुकी हूँ। आज मैं आपको जो दूंगी वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आने की, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर 4 बजे, बीएड सेकेंड ईयर 7 बजे इवनिंग में अवध यूनिवर्सिटी का कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाल्यावस्था के बच्चों की मानसिक संवेगात्मक एवं क्रिया संबंधी विशेषताओं की व्याख्या, मतलब कि हमारा जो साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड, जो हमारा मेंटल स्थिति होता है बच्चे का बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में जो है उसकी मेंटल स्थिति कैसी रहती है, उसके बारे में ये कंप्लीट करवाया गया है आप लोगों के क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे मानसिक संवेगात्मक दिया हुआ है और क्रिया संबंधी है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है बाल्यावस्था में, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो बाल्यावस्था के बारे में आपको लिखना है कि बाल्यावस्था में बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, डिस्क्राइब द फैमिली रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का फैमिली का यहाँ पे रोल पूछा है, ये हो सकता है यहाँ पर टीचर रोल भी पूछता है, स्कूल का रोल पूछता है। तो इस तरह से ये तीनों के रोल, जो तीनों की जो भूमिका होती है बच्चे के विकास में, वो तीनों का कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे फिलहाल फैमिली का पूछा है तो फैमिली का देख लीजिए। ये थर्ड नंबर है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता। आप भी जानते हैं एडोलेसेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन आना ही आना है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में। तो यहां पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है किशोरावस्था के बारे में, ये आपको लिखना है। फोर्थ नंबर है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, हाउ कैन अ टीचर हेल्प देम टू सॉल्व देम। हमारे जो एडोलेसेंस में जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, उसके बारे में है, और टीचर क्या हेल्प कर सकता है, ये भी क्लास करवाया गया है आप लोगों को 4 बजे में। फिर है आपका पांच नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ए टीचर इन द रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है कि एडोलेसेंस में जो है बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, और इसमें टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है, टीचर के क्या कर्तव्य होते हैं करने के लिए। सिक्स नंबर है, गिव इन ब्रीफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट दिस डेवलपमेंट। देखिए बच्चे का, देखिए सो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, तीनों में आप सब तरह का डेवलपमेंट, सब तरह का विकास कीजिएगा। चार तरह का विकास होता है। फर्स्ट जो होता है फिजिकल यानी शारीरिक विकास, दूसरा होगा मेंटल विकास यानी मानसिक विकास, तीसरा होगा संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ नंबर होगा आपका सामाजिक विकास। ये चारों विकास को इन तीनों स्टेजेस में कीजिएगा कि एक्चुअली में बच्चे का किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, और ये पूरा बात किया गया है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक लिखना है। तो ये आप लोगों को देखना है कि इसको, इस क्वेश्चन को, ये है एक्चुअली में लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपको शॉर्ट में कैसे लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आएंगे और वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो उसको कैसे आप लिखेंगे। सेवन नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हो, व्हाट आर देयर कॉजेज, ये इसका क्या कारण होते हैं व्यक्तिगत भेदों के, जो एक बच्चा दूसरे से अलग होता है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और इससे आप समझते क्या हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। एट्थ नंबर है, डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, मानवतावादी मनोविज्ञान का विकास के क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए, यानी कि ह्यूमनिस्टिक मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में है कि उसका जो है डेवलपमेंट में क्या योगदान होता है। तो साइकोलॉजी का जो है बहुत ज्यादा योगदान हो रहा है, इवन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन में भी अब चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज ज्यादा होता है, तो इस तरह से आप इसको जो है एलोबरेट कर सकते हो।
नाइन नंबर है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं लेकर आई हूँ। जितना भी शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से आपको चार आएंगे और मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से चार आ ही जाएंगे, तो इन सारे सारे शॉर्ट नोट्स को अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले तो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम बिल्कुल आता ही है, इसके साथ इन्वायरमेंट भी कर लीजिएगा, ज्यादातर हेरिडिटी ही आती है। बी नंबर है रिलेटिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में वंशानुक्रम वातावरण में क्या संबंध है, संबंधों के महत्व को बताएं। फिर है एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, वृद्धि एंड विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करना है। उससे है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भेदों का अभिप्राय क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, विकास कार्य में अध्यापक की भूमिका, ये बहुत जरूरी है, टीचर का रोल एक्चुअली आ ही जाता है। फिर है नैतिक विकास की विचारधारा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। फिर है सीमांतीकरण की विचारधारा, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, ये क्या है। फिर है आपका पेरेंटिंग शैली के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, पेरेंटिंग पेरेंट्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान जो है बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। नेक्स्ट है एरिक्सन का सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के सिद्धांत, एरिक्सन की थ्योरी है, फिर पियाजे की थ्योरी है, ये दो थ्योरी मैंने आपको दी है, तो ये थ्योरी शॉर्ट में भी आ सकती है, ऐसे तो लॉन्ग में ही ज्यादातर आता है लेकिन शॉर्ट में अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपको करने हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आई होप कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके शॉर्ट क्वेश्चंस का अलग मैं वीडियो लेकर आऊंगी। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।